हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं इस फैब्रिक से एक लेयर टॉप बनाने वाले हैं। आप कोई भी वेवी फैब्रिक ले लीजिए, इससे ये टॉप आसानी से और अच्छा बनेगा। हमने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया है, आप आराम से 2 या 2.5 कपड़े में बना सकते हैं। तो चलिए अब इस टॉप को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हमेशा की तरह कपड़े को 4 फोल्ड किया हुआ है, लेयर टॉप बना रहे हैं। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा लेयर होता है वो निकालेंगे। तो चलिए लेंथ पहले मेजर कर लेते। तो लेंथ हम ले रहे हैं 24 की, ये तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हम 24 पे मार्क कर देते हैं। इस फैब्रिक को हमने पिन से सिक्योर किया है ताकि ये हिले ना, क्योंकि ये बहुत ही वेवी मटेरियल है। तो देखिए ये हमने मार्क कर दिया। तो शोल्डर की मार्किंग करते हैं, हम ले रहे हैं 7 इंचेस, ये हो गए शोल्डर की मार्किंग। वहीं से हम लेंगे लेंथ में भी 7 इंचेस, ये हमारा आर्म होल के लिए आएगा। तो अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट साइज लेंगे हम 11। चेस्ट के लिए आपको हमेशा 4 पार्ट लेना है और उसमें 2 इंचेस ऐड करना है। हम यहाँ पे 1 इंचेस ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये टॉप है, ड्रेस नहीं है, तो 1 इंच स्विंग अलाउंस काफ़ी रहेगा। तो चलिए अब आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का शेप। आर्म होल हो गया है। अब हम 16 इंचेस पे एक मार्क करेंगे, वो होगा हमारा कमर का एरिया। ये देखिए 16 इंचेस पे मार्क किया हमने। चेस्ट हिस्सा हमने 11 लिया था तो ये हम 10 लेंगे, तो 10 पे मार्क कर दीजिए। तो ये हो गया 10 इंचेस पे मार्क। और ये जो हमने लेंथ ली थी उस पे हम लेंगे 12 इंचेस। तो चलिए अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं हम। तो ये रहा कमर से चेस्ट का हिस्सा ज्वाइन कर लिया, और उसी तरीके से कमर से लेके नीचे तक का हिस्सा ज्वाइन कर लिया और अच्छे से राउंड शेप दे दिया। अब बढ़ते हैं नेक की ओर। नेक की ब्रॉडनेस हम लेंगे 4 इंचेस क्योंकि हम शॉर्ट नेक बनाने वाले हैं राउंड शेप का। ये हो गया 4 इंचेस और लेंथ हो गई 2.5 इंचेस की। तो अब इसे राउंड शेप दे देते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा लेयर था, उसकी कटिंग हमारी अब शुरू करते हैं। हमारी मार्किंग हो गई है तो चलिए इसे कट कर देते हैं। ये हम नेक की कटिंग कर देते हैं। ध्यान रखिए ये हमारा सबसे बड़ा वाला लेयर है। अब आर्म होल की कटिंग हो गई हमारी। और अब बाकी के हिस्सों की भी कटिंग कर लेते हैं। ये हम नीचे का पार्ट भी कट कर देते हैं। तो देखिए हमारा सबसे बड़े लेयर की कटिंग हो गई है। हम लेयर सिर्फ फ्रंट पार्ट पे बनाने वाले हैं, इसीलिए देखिए इस कपड़े को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। ये बस 2 फोल्ड कपड़ा है क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट में ही लेयर्स बनाने वाले हैं। तो हमने जो ऑलरेडी ये कट किया है बड़ा पीस, उसे इस फोल्डेड एरिया पे रख देते हैं। डबल फोल्ड पे रख दिया इस तरीके से। अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, पिन से सिक्योर कर लीजिए इसे, क्योंकि ये बहुत ही वेवी कपड़ा है। तो अब इसे सीधा ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए जैसे हमने फैब्रिक रखा है सीधा वैसे ही इस पर मार्किंग कर देते हैं, बिल्कुल वैसा ही। हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, बस सेम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल सेम मार्किंग कर दी। अब इस कपड़े को उठा देते हैं हल्के हाथों से।
ये देखिए, ये है हमारी मार्किंग। अब देखते हैं चेंजेस क्या करना है हमें लेयर बनाने के लिए। हम दो लेयर बना रहे हैं इसके ऊपर। तो देखिए, हम आर्म होल से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा ब्रॉड बना रहे हैं। ये नीचे से ब्रॉड कर दिया और इस तरफ भी आर्म होल से नीचे का एरिया ब्रॉड कर दिया। बस फिलहाल हमने बस इतना ही चेंज किया है, अब इसे सीधा काट लेंगे। तो देखिए, अब लेयर बनानी है तो हमने ये जो कटिंग की है, सबसे पहले बड़ी लेयर हमने कट की थी, अब ये इसके इससे छोटी वाली हम लेंगे 21 इंचेस पे। तो ये 21 इंच पे मार्क किया हमने, यहाँ पे भी 21 इंचेस पे मार्क किया। तो देखिए, हमने जहाँ 21 इंचेस पे मार्क किया था वहाँ से हम कट कर देंगे। ये हमने दोनों लेयर को कट कर रहे हैं। तो हमारी जो पहली लेयर थी वो बन गई 24 इंचेस की, दूसरी लेयर बन गई 21 इंचेस की। देखिए, दूसरी लेयर बन गई। अब तीसरी लेयर बनाने के लिए चलिए इसे ऊपर से हटा देते हैं। ये है हमारी तीसरी लेयर। तो अब हमारी जो तीसरी लेयर होगी वो होगी 18 इंचेस पे। हमने 3-3 इंचेस का गैप लिया है सभी लेयर के बीच में। ये हो गया 18 इंचेस पे मार्क। तो देखिए, हमने 3-3 इंचेस का गैप ले लिया है। यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे 18 इंचेस पे। अब इसे काट लेते हैं। तो बन गई हमारी तीनों लेयर। एक लेयर हो गई 23 इंचेस की, एक हो गई 21 की और एक हो गई 18 इंचेस की। तो चलिए स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा बेस है, फ्रंट का पार्ट हमारा। इसे हमने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। अब इसके ऊपर जो पहली लेयर हम रखेंगे वो है सबसे छोटी, यानी 18 इंच की लेंथ वाली। इसे रख के अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसके ऊपर रखेंगे हमारी दूसरी लेयर जो इससे बड़ी है, यानी 21 इंचेस वाली। इसे भी अच्छे से रख के मिला लीजिए। तो सबसे पहले हमने रखी 18 इंच वाली लेंथ वाली और उसके बाद लेयर रखी हमने 21 इंचेस वाली। तो अब हम स्टिच करेंगे ये पूरा आर्म होल, उसके बाद ये नेक और दूसरा वाला आर्म होल पे सिलाई लगा दीजिए। तो देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद आप सीजर की मदद से छोटे छोटे नॉचेस लगा दीजिए। नॉचेस इस तरीके से लगाएं कि आपकी सिलाई ना कटे। तो देखिए, अब हमारे जो दो लेयर है उसे हम उठाएंगे और दूसरी तरफ रख देंगे और इस तरीके से उल्टा कर देंगे हम। तो देखिए, हमारे नेक और आर्म होल तैयार हो गए हैं। अब बढ़ते हैं लेयर की ओर। ये जो हमारे लेयर हैं इसे हम अब डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, ये लेयर को इस तरीके से आप डबल फोल्ड कर दीजिए और वहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से ये दूसरी वाली लेयर को भी डबल फोल्ड कर दीजिए और लास्ट वाली लेयर को भी डबल फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, लेयर पे हमने सिलाई लगा दी। ये लेयर बहुत ही अच्छे आए हैं। तो फ्रंट पार्ट तैयार हो गया हमारा। अब चलते हैं बैक पार्ट की ओर। तो देखिए, इसमें तो कोई लेयर नहीं बनाने वाले हैं। तो इसका नेक और आर्म होल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रॉन्ग साइड लेंगे और इसे यूं डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करते जाइए और बनाते जाइए। इसी तरीके से आपको आर्म होल भी बनाना है। आर्म होल पर भी आप रॉन्ग साइड लीजिए और इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर दीजिए, आपकी सिलाई हो जाएगी। देखिए, बैक पार्ट की भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसका नीचे का पार्ट भी फोल्ड कर देते हैं। तो ये बैक का हमारा जो नीचे का पार्ट है इसे भी हम डबल फोल्ड करेंगे, जैसे फ्रंट के लिए किया था। इस तरीके से डबल फोल्ड करके आप सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए, नीचे की बॉर्डर भी हमने फोल्ड कर दी है बैक पार्ट की। तो चलिए, अब शोल्डर की फिटिंग करते हैं। उसके लिए ये हमारा बैक पार्ट है जिसे हमने राइट साइड पे रखा हुआ है। अब दोनों राइट साइड को मिला देते हैं। ये देखिए, बैक पार्ट को हमने इस तरीके से अच्छे से मिला दीजिए दोनों शोल्डर को, और फिर वहाँ पे सिलाई लगानी है। बस अब यहाँ पे आप सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से दोनों पार्ट पे सिलाई लगा देनी है। देखिए, हमारे शोल्डर की फिटिंग हो गई है। अब हमारा लास्ट स्टेप है पूरे टॉप की फिटिंग करना। अब हम फाइनल फिटिंग करेंगे। उसके लिए देखिए, ये हमने रॉन्ग पार्ट पे ही रखा है सब कुछ। ऐसे सारे लेयर को अच्छे से मिलाइए। ये फ्लेयर हमने थोड़ा ब्रॉड काटा था लेयर का,
ताकि बीच में प्लीट्स लगे और ज़्यादा लेयर अच्छी दिखे। इसी तरीके से सारे लेयर को मिला दीजिए और फ्रंट और बैक के बेस को भी मिला दीजिए। अब यहाँ पे अप्रोक्स 1 इंच जितना हमने गैप रखा था स्विंग अलार्म्स, तो उतना ही हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से नीचे तक। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर दीजिए। तो देखिए फिटिंग के बाद ये बन गया हमारा लेयर टॉप। इसकी लेयर देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखिए 1, 2 और ये हमारा बेस पार्ट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। आप इस लेयर टॉप को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही क्लासी बना है। और इसके लिए बनाने के लिए आप कोई भी वेवी कपड़ा ज़रूर ले, ये बहुत ईजी है। ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।